गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है रिवाइज कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि है सेफ्टी रूल्स के बारे में, वो हम रिवाइज करेंगे। ओके, और मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवाऊंगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के ज़रिए, या फिर आप उन्हें, अगर आपने बुक एक्सरसाइज नहीं की है तो आप उसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। आप सबसे पहले है हमारा कीवर्ड्स फर्स्ट एड एंड एंटीसेप्टिक। ओके, फर्स्ट एड, इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल। जो इंजर्ड पर्सन को, जो घायल व्यक्ति को सबसे पहले क्या दी जाती है, सबसे पहले हेल्प दी जाती है डॉक्टर के पहुंचने से पहले, वो क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा। ओके, एंटीसेप्टिक, समथिंग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, वो चीज़ जो इन्फेक्शन को रोक देती है। ओके, एंटीसेप्टिक कहलाती है। अब हमारी एक्सरसाइज है, देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को क्या चीज़ रोकती है, कॉटन, एंटीसेप्टिक, क्रिप, बैंडेज। यस, एंटीसेप्टिक। ओके, द फ्लोर मस्ट बी कैप्ट ड्राई टू प्रिवेंट डैश, फ्लोर कैसा होना चाहिए, द फ्लोर मस्ट बी कैप्ट ड्राई, फ्लोर को हमेशा सूखा रखना चाहिए टू प्रिवेंट, किस चीज़ को रोकने के लिए, स्कीपिंग, स्लिपिंग या स्लाइडिंग। यस, स्लिपिंग, स्लिपिंग मतलब फिसलने से, खुद को फिसलने से रोकने के लिए कैसा ड्राई होना चाहिए फर्श। ओके, वी शुड नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस विद डैश, सिंगल हैंड, ड्राई हैंड्स, वेट हैंड्स, हमें जो है बिजली के उपकरणों को कभी भी टच नहीं करना चाहिए गीले हैंड से। ओके, वेट हैंड्स, ऑलवेज यूज डैश टू क्रॉस द रोड, हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए कहाँ से, यस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ओके, आगे देखिए, फिलअप्स हैं हमारे। फर्स्ट है, डू नॉट वियर डैश क्लोथ्स इन द किचन, हमें किचन में कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिंथेटिक। ओके, वी शुड पुट डैश ऑन द बर्न्ट पार्ट, हमें जले हुए पार्ट पर क्या यूज़ करना चाहिए, आइस पैक या बेकिंग सोडा, यस, आइस पैक। ओके, डू नॉट डैश ईच अदर वाइल प्लेइंग, हमें क्या नहीं करना चाहिए, खेलते हुए पुश नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। ओके, और बेक, ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारा, वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग डैश टू एन इंजर्ड पर्सन, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए किसके, बिफोर देने से पहले, क्या देने से पहले, स्पोर्ट या फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले इंजर्ड पर्सन को। ओके, फर्स्ट है हमारा, सॉरी, फिफ्थ है, अप्लाई अ और एन डैश क्रीम ऑन द बर्न्ट पार्ट, हमें बर्न्ट पार्ट पर क्या लगाना चाहिए, एंटीसेप्टिक। ओके, नॉट अ फेयरनेस, फेयरनेस क्या होती है, क्रीम होती है फेस पे लगाने के लिए। ओके, जो हम डेली यूज़ करते हैं। ओके, सी पार्ट है हमारा, ट्रू फॉल्स, वी शुड प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर खेलना चाहिए, नो, इट्स अ फॉल्स। ओके, वी कैन वियर एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, हमें कोई किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए किचन में काम करते हुए, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि हमें कॉटन के ही पहनने चाहिए। ओके, वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स, ट्रू, वी शुड नॉट टच अ डैमेज्ड वायर, हमें डैमेज वायर को टच नहीं करना चाहिए, यस, ट्रू। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ओके, विच टाइप ऑफ गेम्स शुड वी नॉट प्ले, रफ गेम्स, ओके, हमें कौन से गेम नहीं खेलना चाहिए, रफ गेम्स, वाई शुड वी नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, इट कैन कोज फूड पॉइजनिंग, इससे क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वट शुड वी अप्लाई एन इंसेक्ट बाइट, हमें इंसेक्ट, जब कोई भी कीड़ा बाइट कर जाता है तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम, हमें क्या करना चाहिए, या तो कोल्ड क्रीम लगानी चाहिए या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए। ओके, ई पार्ट है हमारा,
ये पार्ट हमने नोटबुक में किया था स्टूडेंट्स. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू एक्सीडेंट्स हैपन इन स्कूल. स्कूल में एक्सीडेंट कैसे होते हैं, क्यों, क्या वजह है कि स्कूल में एक्सीडेंट्स घटित होते हैं. ओके, इन स्कूल्स एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन अ हरी. जब चिल्ड्रन क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वाउंड्स. फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वाउंड्स आर एज फॉलोज. वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन. सबसे पहले इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. पुट अ बैंड एड फॉर अ माइनर कट. हमें क्या करना चाहिए, बैंड एड लगानी चाहिए माइनर कट पर. ओके, और फॉर अ डीप कट हो तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड. हमें सबसे पहले उस घाव के ऊपर से क्या करना चाहिए, डस्ट को हटाना चाहिए, मिट्टी को हटाना चाहिए. देन क्लीन द स्किन अराउंड इट, और उस स्किन को आसपास के एरिए को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए. विथ स्मॉल पैड ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. किससे साफ करना चाहिए, कॉटन को किस में करके, एंटीसेप्टिक लोशन में डिप, एंटीसेप्टिक लोशन लगा करके कॉटन पर. तो उससे हमें क्या करना चाहिए, उस घाव को आसपास के एरिए को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. और उसके बाद टाई अ बैंडेज अराउंड इट, और उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी चाहिए टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव फर्स्ट एड टिप्स फॉर नोज ब्लीडिंग. नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग पिंच द nose for 7-8 minutes and lean slightly forward till bleeding stops. जब हमारी nose bleeding हो रही हो तो हमें 7-8 minute तक झुक जाना चाहिए आगे की तरफ, जब तक हमारी nose bleeding नहीं रुक जाती. Put a cold wet towel on the face, और हमें एक ठंडा towel क्या करना चाहिए, गीला towel करके उसे हमारे face पर रखना चाहिए. The mouth should be open so that, और हमारा माउथ क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए. रीज़न क्या है खुला रखने का, क्योंकि हमारे फेस पे टावल है, नोज़ पर टावल है, जिससे हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे. तो क्या करना होगा, फिर हमें माउथ से ब्रीद करना होगा ताकि हम माउथ से ब्रीद कर सकें. ओके, इस रीज़न से उसे करना चाहिए. ओके, आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स. गिव एनी टू. इलेक्ट्रिक शॉक को रोकने के लिए कौन से प्रिकॉशन हमें यूज़ करने चाहिए, क्या क्या रोकथाम होनी चाहिए, टू बताइए. फर्स्ट है हमारा, वी शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्विच विद वेट हैंड्स. हमें क्या करना चाहिए, गीले हैंड से कभी भी बिजली के उपकरणों को ना ही ऑन करना चाहिए और ना ही उन्हें टच करना चाहिए. ओके, और सेकंड है, वी शुड नॉट गो क्लोज टू हीटर और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन. जब टेबल फैन और हीटर ऑन होता है तो हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए. ओके, आगे देखिए हमारा पार्ट एफ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू सेफ्टी रूल्स डू यू फॉलो इन प्लेग्राउंड. हमें दो सेफ्टी रूल्स कौन से फॉलो करने चाहिए. द सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड आर, वी शुड नॉट प्ले रफ गेम्स. हमें रफ गेम्स नहीं खेलनी चाहिए. वी शुड नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग. हमें एक दूसरे को पुश और हिट नहीं करना चाहिए. ओके, खेलते हुए. व्हाट शुड वी डू व्हेन अ पर्सन फेंट्स. और हमें क्या करना चाहिए जब एक पर्सन बेहोश हो जाता है, फेंट्स हो जाता है. व्हेन अ पर्सन फेंट्स मेक हिम लाई डाउन विद द हेड एट अ लेवल लोअर देन द बॉडी. तो हमें जब जो व्यक्ति बेहोश हो जाता है उसे क्या करना चाहिए, उसे उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी से सिर को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लो कर देना चाहिए. ओके, इट अलाउज़ रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टुवार्ड्स द ब्रेन. इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन उसके माइंड तक जाएगा. ओके, ब्रेन तक जाएगा. और स्प्रिंकल कोल्ड वाटर और ठंडे वाटर को छिड़कना चाहिए उसके फेस पर ताकि उसे होश आ सके. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे सॉल्व हो सकती है. ओके, आपको भी पिक सेंड कर दी जाएगी. ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. टेक केयर.